हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुछ नई रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगी। ये रेसिपी बहुत इजी हैं और झटपट बन जाती हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैगी के रोल बनाना बताऊंगी। ये बहुत टेस्टी भी हैं और इजी भी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे दिख रहे हैं, इतनी अच्छी फिलिंग भी होती है इनमें और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है और उसको गर्म होने दिया है। उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और कुछ सब्ज़ियाँ डालेंगे। तो सब्ज़ियों में हमें चाहिए शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और कैरेट। आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो आप डाल सकते हैं, नहीं हैं तो उनको स्किप कर दें। पहले हम प्याज डालेंगे, प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम सारी सब्ज़ियाँ डाल देंगे। अब हम सारी सब्ज़ियाँ डाल देंगे, इनको बस हमें 2 मिनट ही भूनना है, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हमारी सब्ज़ियाँ भुन गई हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं एक मैगी का बना रही हूँ इसलिए 1 मैगी का मसाला डालूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना, इसके मसाले में भी होता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और स्पाइसी खाना है तो इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं इसमें 1 मैगी के हिसाब से ही पानी डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें मैगी डालेंगे। मैगी को हम तोड़ के ही डालेंगे, इसके 4-5 टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद हम मैगी को 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे, जब तक ये पक जाएगी। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। तो दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चे सिंपल मैगी खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से रोल बना के उनको दे सकते हैं, ये उनको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी मैगी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। हमें बिल्कुल ड्राई मैगी बनाना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी होगा तो हमारे रोल ठीक से नहीं बन पाएंगे। अब हम मैगी को ठंडी होने देंगे। अब हमारी मैगी ठंडी हो गई है, अब हम इसको कटोरे में निकाल लेंगे। तो ठंडी होने के बाद हमारी मैगी थोड़ी सी और ड्राई हो गई है। अब हम इसके रोल बनाएंगे। अब मैंने वाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं, और इनके हम साइड्स कट कर लेंगे। अब हम इसको बेलन से बेल देंगे, जिससे कि हमारे रोल अच्छे से रोल हो जाएं। अब हम मैदे का एक घोल तैयार करेंगे रोल चिपकाने के लिए। तो मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम घोल बना लेंगे। अब हम इसको ब्रेड में लगा देंगे। अब हम इसको एक साइड लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें मैगी डालेंगे। तो मैगी आप ज़्यादा ना भरें, आप थोड़ी सी कम ही भरें, जिससे कि हमारे रोल अच्छे से बन जाएं। तो देखिए दोस्तों, हमारे रोल बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको सेक लेंगे। हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना, हमें नॉनस्टिक पे थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के ही सेकना है इसको। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। आप इनको नॉर्मल तवे पर भी सेक सकते हैं। अब हमारा पैन गर्म हो गया है, अब हम इस पर रोल रखेंगे। एक साइड से हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेकेंगे, जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे रोल एक साइड से ब्राउन हो गए हैं। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको सेक लेंगे। इनको हम चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, जिससे कि हमारे रोल चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाएं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप कभी भी बना सकते हैं, ये झटपट भी बन जाती है। मैगी तो वैसे ही झटपट बन जाती है। अगर ब्रेड रखें तो आप उनमें ब्रेड में भर के बस रोल बना लें, इसमें टाइम भी नहीं लगता। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर आप बड़े भी खाएंगे तो ये उनको भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, हमारे रोल बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी। आप इन रोल को सॉस से या ग्रीन चटनी से किसी के भी साथ इनको खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे रोल कितने अच्छे दिख रहे हैं। जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने ही टेस्टी भी हैं। तो आप जिससे मर्जी खा सकते हैं, सॉस से या चटनी से, जिससे भी आपको पसंद है। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ये रोल कैसे लगे।
अब मैं पिज्जा स्टाइल में ऑमलेट बनाना बताऊंगी। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, ये बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। तो देखिए हमारा ऑमलेट बिल्कुल पिज्जा जैसे दिख रहा है। अब हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने दो अंडे लिए हैं, उनको तोड़ लिया है। तो दोस्तों ये भी बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, झटपट बनने के साथ साथ ये टेस्टी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जिसको डाल के आपने ऑमलेट कभी नहीं खाया होगा। तो इसमें मैं आलू भुजिया डालूंगी। आप चाहे तो इसमें आप चिप्स भी डाल सकते हैं, उनको क्रश करके फिर डालें। अब इसमें कुछ सब्जियाँ डालूंगी, सब्जियाँ आप अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, मैंने सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लिए हैं। आप चाहें तो इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं या दूसरी और सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसका ऑमलेट बनाएंगे। तो मैंने एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। तो दोस्तों मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था, इसमें कुछ भी नहीं लगाया, ऑयल से ग्रीस भी नहीं किया। आप अगर नॉर्मल पैन लेते हैं तो उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें। अब मैं इसमें ऊपर से भी आलू भुजिया डालूंगी। आप चाहें तो इसमें दूसरा नमकीन भी डाल सकते हैं, पर ऐसी भुजिया होनी चाहिए। अब हम इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो अब 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। हमारा ऑमलेट नीचे से पक गया है, अब हम इसको पलटा देंगे। तो हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। नीचे से तो हमारा ऑमलेट कितना अच्छा सेक गया है, अब हम इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक देंगे। तो दूसरी साइड से सेकने में टाइम नहीं लगेगा, इसको बस 1 से 2 मिनट ही सेकना है। इसके बाद हम इसको फिर से पलटा देंगे। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ऑमलेट बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल में बना है। हम इसको पिज़्ज़ा स्टाइल में ही काटेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। आप अपनी फेवरेट नमकीन इसमें मिलाएं और उसके मज़े लें। तो दोस्तों आज की रेसिपी एकदम डिफरेंट थी, आप इनको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आगे नए वीडियो लाने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।